हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड यू विल बी डूइंग गुड। एंड सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा। तो माय नेम इज तनुज पाठक एंड वेलकम टू दिस एंथ्रोपोलॉजी कोर्स। दिस ईयर सिविल सर्विस एग्जाम मेरी मैंने रैंक 72 आई है एंड इस बार मेरे 309 मार्क्स आए हैं, जो कि आई थिंक गुड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, जहाँ पे मैं 250 टाइप स्कोर कर रहा था। तो काफ़ी कुछ चेंजेस करे हैं मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में, काफ़ी कुछ चेंजेस लाया हूँ मैं अपने कंटेंट में, और कुछ कुछ चीज़ें सीखी है मैंने आंसर राइटिंग वगैरह की। और तो मुझे लगता है कि इस कोर्स के थ्रू भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा जो मैंने चेंजेस लाए हैं पिछले 2-3 साल में, जो कि थोड़ा मैं समझ में आया है कि मार्क्स कैसे स्कोर करे जा सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में। एंड मैं उसी में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ, और उसी को ध्यान रखते हुए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है कि आपको मैं कैसा कंटेंट दूँ कि 300 वाला स्कोर आ सके, कैसे हम आंसर राइटिंग करें इस चीज़ को, क्या डिमांड है यूपीएससी की एंथ्रो को लेकर। तो वो सब चीज़ों की मैं ध्यान रखते हुए इस चीज़ को कोर्स को डिज़ाइन किया है। ये बताओ कि प्रीलिम्स का एग्जाम कैसा हुआ आप लोग का, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे जो लग रहा है, काफी मैंने फ्रेंड से काफी सीनियर से डिस्कस किया इस चीज को लेकर कि प्री का एग्जाम कैसा हुआ है, तो काफी मेरे दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं जिनके 85-90 बन रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं, कुछ लोग हैं जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उनके 85-90-95 इस रेंज में बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 85 एंड अबव और 85-87 अबव वुड बी अ गुड स्कोर इस बार। तो अगर उसके ऊपर आपके आ रहे हैं, 85 टाइप्स आ रहे हैं उसके ऊपर आ रहे हैं, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिपेयर कर लो मेंस के लिए। डोंट वेस्ट दिस 15 डेज, डोंट वेस्ट एट ऑल। और अगर ये 15 दिन आप अच्छे से पढ़ लेते हो, स्पेशली ऑप्शनल कर लेते हो इस चीज़ को, तो आई एम गारंटी श्योर कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन के आप बहुत आगे रहोगे, क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसी होती है जो 15 दिन में नहीं पढ़ती है बिल्कुल भी। तो अगर प्रिपेयर कर लोगे इन 15 दिनों में, तो यू वुड बी वेरी फार अहेड, तो इस चीज़ का फायदा आपको होगा। बेसिकली इस जो ये कोर्स है, इस कोर्स में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक कंटेंट, बेसिक का आइडिया होगा एंथ्रोपोलॉजी का। एंड मेरा जो रोल है, जो मैंने अपने अपना रोल सोचा है, वो यही सोचा है कि कैसे ना कैसे करके मैं इसमें बढ़िया एक कंटेंट आपको दूं। तो चलो विल स्टार्ट। सबसे पहले हाउ शुड वन प्रिपेयर एंथ्रोपोलॉजी फॉर मेंस, डिस्कस करूंगा मैं 2024-2025 दोनों के लिए ही मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊं आपको, तो 4 मेजर चीजें होती हैं एंथ्रो प्रिपेयर करने के लिए, जो मुझे लगता है। सबसे पहली चीज जो आती है वो है बेसिक कंटेंट। सबसे ज्यादा जो पहली चीज है वो बेसिक कंटेंट आपको प्रिपेयर करना होता है। अब वो कंटेंट चाहे आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं, जो एक रिलेवेंट कंटेंट है आप कहीं से भी यूज करें। कंटेंट वो कहीं से भी हो सकता है, जैसे फॉर इंस्टेंस सोशियो कल्चरल की अगर मैं बात करता हूँ, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो कुछ लोग ब्रेंट्री का मटेरियल यूज करते हैं, कुछ लोग अक्षय सर की बुक यूज करते हैं, कुछ लोग इग्नू का मटेरियल यूज करते हैं, कुछ लोग कहीं कहीं से फाउंडेशन कोर्स किया होता है तो उसका मटेरियल यूज करते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप किसी एक स्टैंडर्ड सोर्स का मटेरियल यूज कर सकते हैं एंड एक बेसिक जो कंटेंट है वो तैयार करें। सेम सिमिलरली फॉर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लोग, कुछ लोग पीनाथ यूज करते हैं, या कुछ आपने फाउंडेशन कोर्स किया होगा तो उसका आपके पास मटेरियल होगा, या किसी टॉपर्स के नोट्स होंगे, तो वो आपका एक बेसिक कंटेंट आपका रेडी होगा जो आपके पास होगा। एंड सिमिलर गोज फॉर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, पेपर टू के इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज ट्रैवल एंथ्रोपोलॉजी। तो जैसे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और ट्रैवल एंथ्रोपोलॉजी के लिए काफी लोग नदीम हसनैन सर की बुक आती है वो यूज करते हैं, कुछ लोग अक्षय जैन सर की बुक यूज करते हैं, कुछ लोग टॉपर्स नोट यूज करते हैं जैसे मंदार पाटकी सर के, जो मैंने इस बार यूज करे थे। तो वो एक बेसिक कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी आपको हो जाता है, ठीक है? तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक कंटेंट जो है एकदम बेसिक, जो बिल्कुल फाउंडेशन है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो आपका रेडी होगा। अब इस चीज दूसरी जो चीज आती है वो है वैल्यू एडिशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगती है। अगर आपके पास बेसिक कंटेंट रेडी है कहीं ना कहीं, तो आप 230 से लेकर 250 नंबर्स तक पहुंच सकते हो। पर इसको
नंबर्स को 250 से लेकर 300 अगर जाना है तो आपको चाहिए पड़ता है वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट। 50-60 नंबर का एडिशन तो दिलाएगा, वो यही कंटेंट है, एनरिच्ड कंटेंट है। आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है? आपको उसका आइडिया होगा बट एग्जैक्टली उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको समझ में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो मेरा मोटिव भी यही रहेगा कि यू नो जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको मैं डिकोड कैसे करूं ना, उसकी डिमांड क्या है। देखो सिंपल सी बात है, कंटेंट यही होता है, सब लोग यही कंटेंट पढ़ते हैं। अब डिफरेंस आता है कि उस कंटेंट को एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यू नो एक इम्पॉर्टेंट थिंग भी वही है कि जो आपके पास कंटेंट रेडी है आप उसको असली एग्जाम में इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो, तो उससे बहुत ज्यादा मैटर पड़ता है। और उसी चीज को हम यहाँ पर रिजोल्व करेंगे, आंसर की यू नो डिमांड सॉरी क्वेश्चन की डिमांड को आंसर करना प्लस एक गुड स्ट्रक्चरिंग ऑफ एन आंसर, यही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि जो बेसिक कंटेंट है उससे आपको 250 नंबर टाइप्स आप आ सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बट इफ यू वांट टू क्रॉस दैट 300 थ्रेशोल्ड, जो यू नो एक होली नंबर बोला जाता है, एक यू नो ड्रीम नंबर बोला जाता है, 300 का ऑप्शन होगा चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, उसको रीच करना है तो यू विल हैव टू हैव अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन, ठीक है? अब ये वैल्यू एडिशन आता कहाँ से है? देखो ये वैल्यू एडिशन आता कहाँ से, वैल्यू एडिशन के लिए 4-5 चीजें होती हैं, ठीक है, करने की। इस वाले कोर्स में तो मैं आपको पूरा वैल्यू एडिशन जो मैंने यू नो पिछले 3 साल में किया था और स्पेशली जो लास्ट ईयर किया था जिसकी वजह से आई गेस अच्छे नंबर आए, वो तो मैं आपको एज इट इज दूंगा ही दूंगा। पर उसके अलावा अगर आपको खुद से भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी है तो उसके लिए आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा रेलिवेंट लगेंगी, ठीक है? तो सबसे पहले जो वैल्यू एडिशन आपको देखने को मिलता है वो होता है थिंकर्स के आर्ग्यूमेंट, जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स हैं जैसे मेलनॉस्की साहब हो गए या रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, इंडियन थिंकर्स हैं तुम्हारे प्रोफेसर एस सी दुबे हो जाते हैं, डी एन मजुमदार प्रोफेसर, प्रोफेसर एल पी विद्यार्थी, इन लोग के आर्ग्यूमेंट्स ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज पे मैं फिर से स्ट्रेस दूंगा कि आप जब भी आंसर लिखोगे चाहे वो कोई भी टॉपिक का आंसर हो, एंथ्रोपोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ये ध्यान रखना है कि यू आर मेंशनिंग एटलीस्ट 5 to 7 थिंकर्स। देखो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है पर अगर यूपीएससी में आपने यू नो यू वॉन्ट टू स्कोर 300, अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसका मेहनत, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ मेहनत। तो जो थिंकर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं और उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आपको अपने नोट्स में डालने पड़ेंगे और इस चीज को आपको यूज करना पड़ेगा हर आंसर में एंथ्रोपोलॉजी के। ये आपको पहली चीज तो होती है, ये आपको यू नो कंटेंट में अपने ऐड करना पड़ेगा, वो मैं दूंगा ये चीज। दूसरी चीज जो है उनके आर्ग्यूमेंट्स को आपको अपने जो आंसर लिखोगे उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लें कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर इंस्टेंस सेंसिटाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया जो पेपर 2 का पार्ट है, तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास का क्या आर्ग्यूमेंट था सेंसिटाइजेशन को लेकर, प्रोफेसर एस सी दुबे के क्या आर्ग्यूमेंट सेंसिटाइजेशन को लेकर, किस किस ने उसको क्रिटिसाइज किया है, उनके यू नो कॉन्सेप्ट को किस किस थिंकर ने क्रिटिसाइज किया है, किस किस थिंकर ने कुछ केस स्टडी करी है उस चीज के ऊपर। तो यू नीड टू मेंशन एटलीस्ट, मतलब कोशिश करना है कि 5 से यू नो मैं अब देखो नंबर मैक्स से नंबर में नहीं बोलूंगा कितना आप कितने मेंशन कर सकते हो, पर एटलीस्ट यू शुड ट्राई, ट्राई करने की बात है, यू शुड ट्राई टू एटलीस्ट यू नो इंक्लूड 5 थिंकर्स इन एनी आंसर, उनके आर्ग्यूमेंट्स को अपने आर्ग्यूमेंट सॉरी उन अपने आर्ग्यूमेंट्स को उनके आर्ग्यूमेंट से यू नो बेस सपोर्ट करना है उस चीज को लेकर। और जब भी थिंकर को मेंशन करो, जब भी उनकी बुक को मेंशन करो, उसको इतना बड़ा हाईलाइट कर दो कि जो आपका एग्जामिनर है उसको देखते दिख जाए कि हाँ भाई इसको इस थिंकर के आर्गुमेंट्स पता है तो इसने आंसर अच्छा ही लिखा होगा या इसको चीजें पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है ये है इसमें थिंकर्स, ठीक है? पहली चीज थिंकर्स हो गई। दूसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडिशन के तौर पर वो है आपका एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज, ट्राइबल केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स। तो क्योंकि देखो एंथ्रोपोलॉजी जो मेजर फोकस करता है वो ट्राइबल्स और उसकी केस स्टडीज पे फोकस करता है, तो बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2 यू नो आपको कुछ 20 से 30 ट्राइबल्स की केस स्टडीज कलेक्ट करनी पड़ेंगी और उनको अपने आंसर्स में लिबरली यूज करना है। लिबरली यूज करने से मेरा मतलब है जितना मैक्सिमम हो सके आप ट्राइबल्स की केस स्टडीज को
कोट करो। अब देखो थोड़ा सा मेजर चेंज मैंने जो इस बार अपनी स्ट्रेटजी में किया था, पिछली बार तो मैं क्या करता था कि कोई भी आंसर लिखना हो, मान लेते हैं कि यू नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट फेस बाय ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, ये मान लेते हैं क्वेश्चन आता था। तो इसमें क्या 2021 और 2022 जब मेरे नंबर 250 आते थे, मैं क्या करता था उस टाइम मैंने ये करता था कि आप मैं रीजन लिखता था कि भाई ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट के रीजन ये रीजन है ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट के, और फिर फाइनली जाके एक केस स्टडी में लिख देता था कि हाँ भाई जो कौन ट्राइबल ग्रुप्स हैं नियमगिरी हिल्स के, उन लोगों को डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा था, इस चीजों की वजह से वो फेस करना पड़ा था उन लोगों को, बस मेरा आंसर ये होता था। पर इस बार मैंने क्या चेंज किया है, मैंने इस बार ये कोशिश करी है कि मैं हर आंसर में बहुत सारी केस स्टडी डाल सकूं। तो फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट के क्या रीजन रहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे रीजन रहते हैं। पहला रीजन रहते हैं कि जो कंपनीज आती हैं वो ट्राइबल्स को, जैसे वेदांता कंपनी आई नियमगिरी हिल्स में, तो उसने कौन ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया, पहले रीजन कंपनीज के डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल, केस स्टडीज को एज अ एग्जाम्पल पुट करता था मैं, तो यू नो हर जैसे मान लिया आपने रीजन दिया आपने कि हाँ भाई इस रीजन की वजह से ट्राइबल डिस्प्लेस हो रहे हैं, पहला रीजन एग्जाम्पल कौन सी ट्राइबल केस स्टडीज, दूसरा रीजन ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनना एग्जाम्पल मांगकिया ट्राइबल ग्रुप जो ओडिशा में है उनकी केस स्टडीज, थर्ड रीजन फ्लड्स का आना या कुछ भी चीजों का आना उसका कोई केस स्टडी, जैसे मान लेते हैं सिक्किम में कुछ ट्राइबल ग्रुप उसकी केस स्टडीज। तो चार पांच जो अपने पॉइंट्स लिखे कि भाई ये रीजन है, और हर रीजन में एक एक मैंने केस स्टडीज ऐड कर दी। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, आपका आंसर बहुत ही ज्यादा यू नो डीप डेंस एंड्रिच्ड दिखता है कि आपने आपको रीजन से पता ही पता है, पर आपने बहुत अच्छी तरीके से इंडियन ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनको जान रखा है। तो अगर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता है कि आपको इंडिया के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बारे में पता है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत खुश होते हैं एक तो, और अच्छे नंबर वो देते हैं उस चीज को। तो ट्राइबल केस स्टडीज दोनों इंडियन ट्राइबल्स और जो यू नो जो बाहर के ट्राइबल ग्रुप्स हैं दोनों की कुछ केस स्टडीज आपके होनी चाहिए, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास कुछ 30 से 40 ट्राइबल्स केस स्टडीज पड़ी हुई हैं जो मैंने कलेक्ट करी थी। ये मैंने कलेक्ट कहाँ से करी थी, मैंने काफी ज्यादा सोर्सेस थे। पहला तो सोर्स था एक यू नो राज्यसभा टीवी जो चैनल है यूट्यूब पे, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री आती है मैं भी भारत करके, तो उन लोगों ने ना ऑलमोस्ट 30 से 40 जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया के बहुत डिटेल में उनकी लाइफ कवर करी है। तो उन वीडियोस से मैंने अपनी खुद की केस स्टडीज बना ली थी, और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को कि अगर आपके पास थोड़ा आपको लगता है कि टाइम है, कभी खाते वक्त मान लेते आप खा रहे हैं या शाम को वॉक पे निकले हैं या कुछ भी आपके पास थोड़ा सा यू नो जब प्रिपरेशन को छोड़ के टाइम बच जाता है, तो आई वुड रिकमेंड कि जो मैं भी भारत सीरीज है, यहाँ लिख देता हूँ मैं भी भारत, राज्यसभा टीवी की जो सीरीज है इसको जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो आपका इंटरेस्ट एंथ्रोपोलॉजी में और डबल हो जाएगा, आपको यू नो एंथ्रोपोलॉजी से प्यार हो जाएगा। तो मैं तो मानता हूँ कि यार देखो आपने ऑप्शनल चूज किया है तो आपको ना उससे एक लगाव, एक जुड़ाव और थोड़ा सा प्यार होना चाहिए उस ऑप्शनल से, बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है और 1 साल 1.5 साल 2 साल टिके रहना है ऑप्शनल के साथ, तो यू शुड लव योर ऑप्शनल। और सबसे ज्यादा प्यार करने का तरीका यही है कि जो ऑप्शनल का कोर चीज है, एंथ्रो का कोर है, वो यही है कि ट्राइबल सोसाइटी सिंबल सोसाइटीज को अंडरस्टैंड करना। तो अगर आप ये देखते हैं मैं भी भारत, तो जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो हमारे इंडिया में ट्राइबल्स रहते हैं, काफी ज्यादा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ सेक्शन है, उनके बारे में आप समझते हैं तो एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, दूसरा आपको अपनी कंट्री से प्यार बढ़ता है, और तीसरा ये चीज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ट्राइबल्स केस स्टडीज नॉट ओनली इन पेपर 1 पेपर 2 बट ऑल्सो इन पेपर 1, क्योंकि आप पेपर 1 में भी उनके एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो जहां पे भी आपको मौका मिलेगा। ठीक है, नाउ थर्ड चीज जो वैल्यू एडिशन के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डायग्राम्स। डायग्राम्स का यूज करना आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही लिख देते हैं। डायग्राम्स का यूज करना, मैप्स का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली डायग्राम्स का यूज आप कर सकते हो जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला पोर्शन है एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला पोर्शन है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्कल डायग्राम्स हो गए, बोन्स के डायग्राम्स हो जाते हैं आपके, यू नो जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत डायग्राम्स बन जाते हैं, तो
तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, जैसे मान लेते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्वेश्चन आ गया या निएंड्रथल का क्वेश्चन आ गया, तो जो स्कल डायग्राम्स हैं, बोन्स डायग्राम्स हैं, वो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली मैप्स जो आते हैं, जो मैप्स हैं, मैप्स भी आप बना सकते हो। जैसे मान लें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन आता है, तो जो मान लेते हैं पेलियोलिथिक साइट्स का क्वेश्चन आ गया, तो आप इंडिया का फटाफट मैप बनाओगे, उसमें भीमबेटका दिखा दोगे, दिदवाना दिखा दोगे, या कोई भी जो जो हमारी जो पेलियोलिथिक साइट्स हैं बहुत सारी हैं, तो आपकी जो ये बेलन वैली दिखा दोगे, तो ये जो सारी साइट्स हैं, इधर सोहन वैली दिखा दोगे, तो ये साइट्स आप ना एक इंडिया का मैप बनाओगे और उसमें मेंशन कर दोगे, और उसमें उसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे कि जैसे मान लेते हैं आपने इंडिया का मैप बनाया, ठीक है, तो हाँ जैसे मान लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा अभी सीख रहा हूँ इस चीज को, तो थोड़ा टाइम लग रहा था, तो आपको बताता हूँ। जैसे आपने इंडिया का मैप बनाया मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, बट बहुत जरूरी है, मैं बता देता हूँ आपको। मैप बनाना बहुत जरूरी है, मैप को सीखना, क्योंकि एग्जाम में अच्छा लगता है। और फटाफट आप जैसे आपने मैप बना दिया फटाफट से, ठीक है, अब आपने दिखाया कि यहाँ पे भीमबेटका साइट है, ये भीमबेटका है, और यहीं पे आप लिख दो विच वॉज एक्सकवेटेड बाय प्रोफेसर बी एस वकांकर, वकांकर, या आपकी यहाँ पे दिदवाना जो साइट है विच इज एक्सकवेटेड बाय, या आहार बानस जो भी साइट है बाय बाय प्रोफेसर वी एन मिश्रा, नवदा टोली जो साइट है यहाँ पे वो प्रोफेसर एस डी संकालिया ने एक्सकवेट करी है। तो बेसिकली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये कर सकते हो, ये इसलिए कर सकते हो, एक तो आपको मैप एक अच्छा पॉजिटिव वाइब जाती है जब आप कॉपी बनाते हो, कॉपी आपकी अच्छी लगती है, प्लस जब आप ये लिख रहे हो ना कि दिस इज एक्सकवेटेड प्रोफेसर वी एस वकांकर, दिस वॉज एक्सकवेटेड बाय प्रोफेसर वी एन मिश्रा, दिस वॉज एक्सकवेटेड बाय प्रोफेसर एस डी सांकालिया, तो एग्जामिनर को दिखता है कि भाई इस बंदे ने या इस बंदे ने बहुत ही डीप में स्टडी कर रखी है, उसको ये तक पता है कि ये साइट्स किस किस ने एक्सकवेट करी हैं, किस किस ने इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं, किस किस ने एक्सप्लेन किया है, जो टूल्स मिले हैं उस जगह से। तो अगर आपको ये चीजें याद होंगी ना, तो बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके हर क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। तो दिस ये आपको करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाले क्वेश्चन में। उसके अलावा डायग्राम्स मैप में आप टूल्स डायग्राम बना सकते हो, आर्कियोलॉजी में बहुत ज्यादा वो चीज होती है, तो इसलिए याद रखना है कि जहां जहां डायग्राम बन सके, जहां जहां मैप्स बन सके, वो आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो जब भी हम लॉस करेंगे या कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में ये डायग्राम बन सकता था और ये आपको इंक्लूड करना चाहिए था, और उस डायग्राम को भी किस हद तक हम वैल्यूएट कर सकते हैं और किस हद तक उसको इतना बढ़िया दिखा सकते हैं कि उससे रिप्रेजेंट हो जाए कि हमको ये नॉलेज है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो डायग्राम्स की हमने बात कर ली है, तो आपने बात कर ली है बेसिक कंटेंट, वैल्यूएट, वैल्यूएशन में क्या क्या बात करी, थिंकर्स उनके आर्ग्यूमेंट्स, थिंकर्स उनकी बुक्स उनके आर्ग्यूमेंट्स, ट्राइबल्स केस स्टडीज, डायग्राम्स का यूज करना, मैप्स का यूज करना। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपको बताता हूँ, कनेक्टिंग पेपर वन एंड पेपर टू, पेपर वन और पेपर टू को कनेक्ट करना एग्जाम लिखते वक्त, ये भी बहुत ज्यादा सुपर इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी हम एज अ पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पूरा ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो जब हमने पेपर वन पेपर टू पढ़ लिया है, तो वी कैन लिबरली यूज द नॉलेज ऑफ पेपर टू इन पेपर वन एंड नॉलेज ऑफ पेपर वन इन पेपर टू। और क्योंकि देखो पेपर वन जो है पूरा मोस्टली बहुत जनरल एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें दुनिया पूरी देश देश की दुनियादारी की एंथ्रोपोलॉजी है, पर पेपर तो देखो इंडिया में हो रहा है, तो हमको नॉलेज ज़्यादा इंडिया की होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि इग्नोर करना है, सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें कोशिश करिए कि आप इंडियन रेफरेंस भी डाल सको। अब इंडियन रेफरेंस आप डालोगे कहाँ से, वो आप पेपर टू से डालोगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है आर्कियोलॉजी का, ठीक है, क्वेश्चन आर्कियोलॉजी का है कि नियोलिथिक साइट्स बताओ, आप जो नियोलिथिक कल्चर है आप उसको एक्सप्लेन करो। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया पेपर वन में, तो हमारी कोशिश क्या रहती है, इसमें हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे नियोलिथिक कल्चर को, फिर नियोलिथिक कल्चर हम बताएंगे आपका जो नियर ईस्ट में आता है, नियर ईस्ट में इवॉल्व हुआ, वहां वहां बताएंगे नॉर्थ अमेरिका का नियोलिथिक कल्चर, साउथ अमेरिका का नियोलिथिक कल्चर, एंडीज वाले एरिया में अफ्रीका का नियोलिथिक कल्चर, एंड फाइनली इंडिया का नियोलिथिक कल्चर बहुत जरूरी है।
मान लेते हैं 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो एक पेज देना, आखिरी का एक पेज देना इंडिया को, इंडिया के न्यूरोसिक कल्चर को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेपर टू की नॉलेज यू शुड यूज इन पेपर वन। दूसरा एग्जाम्पल इसका मैं आपको देता हूँ, मान लेते हैं क्वेश्चन आता है डिफ्यूजनिज्म का क्वेश्चन आता है, जो हमारा जो थिंकर्स और जो थ्योरीज हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, उसमें एक थ्योरी आती है डिफ्यूजनिज्म। अगर और हमारे पेपर टू का एक कॉन्सेप्ट है ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन, आपको इसका आइडिया होगा। तो अगर क्वेश्चन मान लेते हैं ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन का आता है, तो एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है ये डिफ्यूजनिज्म का, कैसे दो कल्चर आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं, कैसे दो ट्रेडिशंस ग्रेट ट्रेडिशंस कैसे लिटिल ट्रेडिशंस में डिफ्यूज हो रहे हैं, लिटिल ट्रेडिशन कैसे ग्रेट ट्रेडिशन में डिफ्यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन का यही है कि बहुत जेनरिक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा तो नहीं है बट ठीक है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट जो क्रिकेट के मैदान में होता है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होता है, वो एक ग्रेट ट्रेडिशन है पर दुनिया भर में, क्योंकि दुनिया भर में सिमिलर रूल्स हैं क्रिकेट के, दुनिया भर में सेम मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राउंड बनाता है, सेम इक्विपमेंट से खेला जाता है, सब कुछ सेम होता है, तो वो है ग्रेट ट्रेडिशन। एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। पर जो गली क्रिकेट होता है हमारा, जो हम गली में खेलते हैं गली क्रिकेट, मैंने बहुत खेला गली क्रिकेट, आई होप आप लोगों ने भी खेला होगा, बहुत मजा आता है उसमें। तो जो गली क्रिकेट है उसमें क्या होता है, सब सब लोग के रूल्स अलग होते हैं, किसी में होता है कि भाई ऑफ साइड में नहीं मारना है, किसी में होता है कि भाई लेग साइड पे नहीं मारना है, किसी में होता है कि भाई अगर इस घर के आगे मार दिया तो आउट हो जाओगे। तो अपने अपने रूल्स होते हैं हर गली के, अपने अपने अलग रूल्स होते हैं। तो जो ये मेन मेजर ट्रेडिशंस हैं, जो ये मेन कल्चर है, ये डिफ्यूज हो रहा है लिटिल ट्रेडिशंस में, तो एक क्लासिक एग्जाम्पल हो जाता है डिफ्यूजनिज्म का। तो ऐसे आपको कनेक्ट कर सकते हो आप, अगर क्वेश्चन डिफ्यूजनिज्म का आता है पेपर वन में, तो आप उसको पेपर टू सॉरी पेपर वन में आता है, तो यू कैन गिव अ गुड एग्जांपल कि जो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन का, वो एक क्लासिक एग्जांपल है डिफ्यूजनिज्म का, आप ऐसे एग्जांपल डाल सकते हो। अगर क्वेश्चन पेपर टू में आता है कि भाई एक्सप्लेन करो इंटरमिक्सिंग ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन, तो आप बात कर सकते हो कि जो डिफ्यूजनिज्म की जो थ्योरीज दी गई थी, जैसे ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म या फिर जर्मन या फिर ये फ्रांस बोआज और इन सब लोगों ने दी थी, वो आप डाल सकते हो कि इसका क्लास एग्जांपल ये हो सकता है। तो ऐसे आपको इंटरमिक्स करना है, और ये बहुत जगह होती है, एक सिंगल जगह नहीं है। हम भी जब डिस्कस करेंगे अपने पूरे कोर्स में, तो ये आप खुद समझ में आएगा कैसे आपको करना है। एंड दूसरी बात ये है कि ये आपको भी दिमाग लगाना है कि भैया पेपर टू का मैं पेपर वन में कैसे डाल सकता हूँ, पेपर वन का पेपर टू में कैसे डाल सकता हूँ या सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ओके, विल मूव ऑन। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है आंसर राइटिंग, एंथ्रो पेपर कैसे करना, हम ये हम बात कर रहे हैं, भूल मत जाना इस चीज को कि हम बात किस पर कर रहे हैं। तीसरी चीज आती है आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ लिया, हमारा कंटेंट तैयार है, हमारा वैल्यू एडिशन तैयार है, पर उसको पेन पेपर में लिखना कैसे है, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करेंगे उससे ही आता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, और इस पूरे कोर्स में वी विल कवर, मतलब आंसर राइटिंग हम लॉस में भी कवर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग हम टेस्ट सीरीज में कवर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर ये चीज हो जाएगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पूरी प्रिपरेशन का, वो है PYQ। मैं स्ट्रेस नहीं दे सकता कि PYQ करना कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में एंथ्रो में, क्योंकि 70-80% जो आपका पेपर आता है एंथ्रोपोलॉजी का, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें रिपीट होते हैं, काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली PYQ से आते हैं, और तो अगर आपने पहले से ही बिफोर हैंड PYQ सबके तैयार हैं रेडी हैं, तो देखो 70 से 80 क्वेश्चन मान लो होते हैं, टोटल 19 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट सॉरी टोटल 19 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, असली पेपर में, मेंस के पेपर में, तो उसमें से अगर आपको 70-80% क्वेश्चन पहले से आपके देखे हुए हैं, आपने करे हैं, आपने प्रैक्टिस करी है, तो बहुत ज्यादा केक वॉक हो जाता है, हलवा हो जाता है पेपर सॉल्व करना। तो इसलिए PYQ बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने ध्यान में रखते हुए जो लॉस के क्वेश्चंस बनाए हैं, जो कंटेंट बनाया है, वो PYQ बेस्ड ही है, ताकि 70-80% जो पेपर आएगा वो देखा हुआ पेपर आएगा, वो करा हुआ पेपर आएगा, प्रैक्टिस करा हुआ पेपर आएगा, ठीक है। तो ये चार चीजें आपकी बहुत जरूरी हैं एंथ्रो की प्रिपरेशन करने में, बेसिक कंटेंट आपका रेडी होना चाहिए, प्लस वैल्यू एडिशन करोगे उस चीज के ऊपर, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे एंड PYQ करोगे, तो हो जाएगा। अब
एक आध दो चीजें ऐसी है ना जो लोग शायद नहीं बताएंगे या नहीं बताना चाहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज। और ये मतलब ये चीज मैंने करी थी, मुझे पता नहीं है कितने लोग करते हैं कितने लोग नहीं करते हैं, पर जो मैंने किया था वो था, इसको कहते हैं हिंदी में सिंपल सा बोलते हैं रट्टा लगाना, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं रट्टा लगाना को, मतलब रट्टा लगाना समझते होंगे शायद, मुझे लगता है। तो देखो एंथ्रो में लगाना पड़ता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी लगाया था और बहुत जोर शोर से लगाया था। आपको भी थोड़ी चीजें रटनी पड़ेंगी, स्पेशली आर्कियोलॉजी वाला पार्ट रटना पड़ेगा, क्योंकि उसमें यू नो कौन सी साइट डिस्कवर हुई हैं, किसने डिस्कवर कर रहा है, थिंकर्स रटने पड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है थ्योरीज भी कुछ रटनी पड़ जाती हैं। तो आपको घबराना नहीं है ठीक है रटने से, अगर एंथ्रो में आप अगर अच्छे नंबर स्कोर करना है तो आपको काफी चीजें कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। तो हो सकता है कुछ लोग ना बोलें, पर मैं आपको सब कुछ सच बोलना चाहता हूँ, कुछ भी छुपाना नहीं चाहता आप लोगों से एंथ्रो को लेकर। इसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा रटना भी जरूरी हो जाएगा, ठीक है, और कोई गलत बात नहीं है। अल्टीमेट एम क्या है, एक तो अपने जो इंडिया में जो वो है एंथ्रोपोलॉजी का मेन एम क्या है, एक तो अपने जो मार्जिनाइज सेक्शन है, हमारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, हमारे जो यू नो पिछड़े हुए सेक्शंस हैं, पिजन सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी है, उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तो ये आपकी एंथ्रो से वो भी चीज आती है। दूसरा एम क्या है, अच्छा नंबर लेके आना, रैंक लेके आना, साम दाम दंड भेद से हमको रैंक लेके आनी है, नंबर लेके आने हैं, इसलिए रटना पड़ेगा, ठीक है, बता देता हूँ ये चीज आपको देख ली, ठीक है। आगे मूव करते हैं, तो बेसिकली स्लाइड का मेन पर्पस यही बताना है आपको कि आपका जो बेसिक कंटेंट है उसको कंसोलिडेट करना कैसे है। तो सबसे पहले आपके आते हैं बेसिक नोट्स, आपके ये आगे बेसिक नोट्स आगे, ठीक है, ये आपके बेसिक नोट्स मान लेते रेडी है। इसके आप ऊपर आप करते हो वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन आप करते हो, उसके ऊपर आप टॉपर्स नोट्स जो आपके टॉपर्स के नोट्स होते हैं उससे वैल्यू एडिशन करते हो, ठीक है, और फाइनली आप क्या करते हो जब आप यू नो अभी जैसे इस कोर्स में लॉस करोगे, टेस्ट सीरीज करोगे, पीवाईक्यूज करवाऊंगा, तो उस चीज से भी आपको काफी ज्यादा मटेरियल बनता है, तो उस वो भी आप चीज कलेक्ट करके, ये तीन चीजें ये भी आप करते हो। तो जब आप ये काम करते हो तो आपके एक यू नो होलिस्टिक नोट्स तैयार हो जाते हैं, फिर उसको आप उससे बहुत से पढ़ोगे एंड फाइनली उसको एग्जाम में लिख के आओगे, तो ये अपना प्रोसेस रहेगा। बेसिक नोट्स, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन, उसके ऊपर कई इंपॉर्टेंट टॉपर्स आपने कोई उठा लो, जैसे मंदार पाठ की सर है, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को दो तीन टॉपर्स के नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो कि आप रेफर कर सकते हो। मेरे मेजोरिटी ऑफ द जो नोट्स हैं वो उनसे ही निकले हुए हैं, तो आप यू नो या तो डायरेक्टली मेरे नोट्स से भी कर सकते हो जो मैं प्रोवाइड करूंगा, अदरवाइज आप इन लोगों के नोट्स भी देख सकते हो। एक है आपके मंदार पाठ की सर जो कि AI 22 थे, मंदार पाठ की सर हो गए, एक है नारायण अमित सर जो पिछले बार AI 2021 AIR 70 थे, एक इन जिनके मेरे को बहुत लगते हैं अक्षय जैन सर तो हैं, जिनकी जो बुक आती है वो बहुत अच्छी बुक है। और उसके अलावा एक सचिन जैन सर, सचिन अग्रवाल, सचिन गुप्ता सर है, सॉरी सचिन गुप्ता सर हैं जो कि रैंक 3 रहे हैं 2017 के। आपको एक बार इनके नोट्स खोल के देखने जरूर है, ठीक है, मतलब एक बार बस खोल के, टेलीग्राम चैनल से मिल जाते हैं इनके नोट्स, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, या नहीं है तो मेरे से डायरेक्टली मांग लेना, मैं आपको यू नो टेलीग्राम में नहीं तो कहीं पे कोई भी रिसोर्स मतलब कोई भी चैनल के थ्रू या फिर इसमें या कहीं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नोट्स वगैरह ऑनलाइन मिल जाएंगे, नहीं मिल रहे तो मुझसे बोलो, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। भाई एक बार पलट जरूर लेना, आपको अच्छा लगेगा देख के कि भाई ये और मैं एडिशनल कर सकता हूँ। तो यही तरीका है अपने पूरे नोट्स कॉन्सेंट्रेट करने का, आपका बेसिक कंटेंट प्लस वैल्यू एडिशन उसमें आप डालो, प्लस जो टॉपर्स नोट्स है कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं तो डाल दो, और बाकी जो टेस्ट सीरीज करोगे, लॉस करोगे, PYQs कराएंगे, उसमें जो चीज कंटेंट आएगा वो आप ऐड कर लोगे, फाइनली उसको याद करोगे, बैठ के समझोगे, पढ़ोगे और एग्जाम में लिख के आओगे। ये तरीका है कंटेंट प्रिपेयर करने का। तो देखो काफी सारे बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं UPSC में, चलो राखी गढ़ी तो फिर भी आपने सुना हुआ है, जो सही बोल रहे हैं कि सुना है कि राखी गढ़ी क्या है कैसा है, पर कुछ क्वेश्चन आएंगे जो ग्लोटोक्रोनोलॉजी को भी सुना ही नहीं होगा, तो हम दोनों क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया राखी गढ़ी के ऊपर, ठीक है,
अब देखो दो तीन चीज आपको देखने को मिलती है इसमें। आप एंथ्रो की अपनी नॉलेज यूज करो कि मैंने ये चीज कहाँ पढ़ी है। राखी गढ़ी हमने पढ़ी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम राखी गढ़ी पढ़ते हैं। राखी गढ़ी जो है जो इंडस मेच्योर इंडस वाला भी पार्ट है और जो लेटर इंडस वाला, दोनों ही आपको देखने को मिल जाता है। तो जब इंडस हम पढ़ते हैं ना, तो इंडस में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं इंडस। एक तो हम राखी गढ़ी हम बता देंगे कि पहले किसने, अभी तो मेरे को याद नहीं है पर मेरे नोट्स में है कि किसने एक्सकवेट किया है, वो सब चीजें हैं। तो आपको वो सब चीजें लिखनी है कि राखी गढ़ी वॉज एक्सकवेटेड बाय दिस, आपको बेसिक चीजें पता होंगी। उसके इंडस वैली का पार्ट है, आप लिखोगे उस चीज को। फिर हम क्या क्या लिखते हैं, इंडिया का मैप बनाओगे कि राखी गढ़ी कहाँ पे है, जो नॉर्थ इंडिया का मैप बनाया कि राखी गढ़ी यहाँ कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। आपने प्लेस कर दिया ये एक्सकवेटेड बाय दिस, थोड़ा स्पेस यहाँ चला गया, एग्जाम को दिख गया कि आपको लोकेशन पता है, आपको किसने एक्सकवेट किया वो पता है। उसके बाद आप लिख दोगे वहां पे कि उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, जो हम यू नो करते हैं, जो आईबीसी हम जब भी इंडस वैली पढ़ते हैं तो चार पांच हेडिंग में पढ़ते हैं कि टाउन प्लानिंग कैसी थी, वो कॉइन्स कैसे यूज करा करते थे, है ना। उसके अलावा जो स्क्रिप्ट वाली बात हम करते हैं, ये चीज कर सकते हो। इसके अलावा हमको पता है कि चैल्कोलिथिक पीरियड है, ठीक हो गया, ये है चैल्कोलिथिक पीरियड की साइट है। तो टूल्स का यूज करते थे वो लोग, ऑर्नामेंट्स क्या यूज कर, ऑर्नामेंट्स यूज करते थे नहीं करते थे, पॉटरी कैसी थी वहां पे। तो ये बेसिक आइडिया हमको होता है कि जो चैल्कोलिथिक साइट है उसकी पॉटरी कैसी रही होगी, जो चैल्कोलिथिक साइट्स है उनके टूल्स क्या रहे होंगे, उनमें वो क्या वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे नहीं बनाते थे। इंडस वैली से हमें आइडिया है कि वो कॉइन्स का यूज करते थे, स्क्रिप्ट का यूज करते थे, सील्स का यूज करते थे। इंडस वैली से हमें आइडिया है कि इंडस वैली वाले जो है बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग करते थे, ड्रेनेज सिस्टम होता था, घर होते थे, सब हमको पता है, एक सिटाडेल होता था, एक लोअर सिटी होती थी, है ना। तो इसमें ना आपको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो हमको बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं आते, तो आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग यूज करना पड़ता है कि मैंने ये चीज कहाँ पढ़ा है, और एक बार मुझे समझ में आएगा कहाँ पढ़ा है तो उससे रिलेटेड मैंने क्या पढ़ा है। क्योंकि देखो राखी गढ़ी है तो इंडस वैली का है पार्ट ही ना, है तो चैल्कोलिथिक कल्चर ही, तो चैल्कोलिथिक जो इंडिया का चैल्कोलिथिक कल्चर है उसके बारे में आपने जो जो पढ़ा है वो मोर और लेस राखी गढ़ी में बात बैठेगी बैठेगी। तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको इतने आपने हेडिंग्स खोल दिए तो यू नो आपका आंसर अच्छा रेडी हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैंने और जो अच्छी इस बार अपनी चेंज करी थी वो मुझे याद आ गई, अच्छी बताता हूँ मैं चीज को। मैंने ना शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने सिर्फ पेपर टू के लिए, पेपर वन के लिए मैंने नहीं बनाए थे। आप अगर चाहें तो बना सकते हैं अगर टाइम परमिट करता है आपको। शॉर्ट नोट्स क्या है, जो आपके मेन नोट्स है ना, मेन नोट से मैंने क्या किया था कि एक एक हर एक टॉपिक का एक एक पेज में वन पेजर बना लिया था, वन पेजर। और वन पेजर में क्या किया था मैंने कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो थिंकर्स के नाम है, कोई भी टॉपिक को लेकर जो थिंकर्स के नाम है और जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स या जो केस स्टडीज हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ही लिखी थी, सिर्फ और सिर्फ वही लिखी थी, ताकि जो मेन चीज है ना जो एग्जाम में मेरे को मेंशन करनी है मैं एटलीस्ट वो ना भूलूं। तो मैंने वो काम कर लिया था, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया होता है। कोई भी टॉपिक आएगा, मान लेते हैं ट्राइब कास्ट कॉन्टिनम, कोई मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया पेपर टू में, ट्राइब कास्ट कॉन्टिनम आ गया, तो आपको पता है वो क्या है, आप उसको इजिली एक्सप्लेन कर दोगे। पर अगर आपने थिंकर्स यू नो शॉर्ट नोट बना लिए हैं और शॉर्ट नोट आप बार बार रिवाइज करें, तो आप थिंकर्स कभी भूलोगे नहीं ट्राइब कास्ट कॉन्टिनम के, ना ही आप एग्जाम्पल और ना ही केस स्टडीज भूलोगे उस चीज के। तो मैंने ये काम किया था, थोड़ा टाइम लगा था मुझे, पर एक बार ये हो गया तो मैं शॉर्ट नोट को यू नो 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे काफी थिंकर्स याद रह गए एग्जाम में। तो ये आप काम कर सकते हो, पर अगर टाइम परमिट करता है, ये मैं आपको पेपर टू के अपने शॉर्ट नोट दे सकता हूँ, पेपर वन मैंने बनाया नहीं था इसलिए मैं दे नहीं पाऊंगा। और आपको मैं एग्जाम्पल पेपर टू में आप दिखा दूंगा पूरे की शॉर्ट नोट मैंने कैसे बनाए थे, ठीक है। तो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो उस चीज का भी, ठीक है। आगे बढ़े, ये आई गेस होप आपको क्लियर होगा कि कैसे कंसिडर करना है। तो विल मूव फॉरवर्ड नाउ, हाउ विल दिस कोर्स हेल्प यू। अब देखो ये कोर्स आपकी हेल्प कैसे करेगा, ऑब्वियसली ये कोर्स तीन चार चीजें हैं जो इस चीज में। पहला है लॉज, लॉज इज लाइव आंसर राइटिंग सेशंस। तो लॉज का फायदा देखो क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी उसमें, क्योंकि आप डेली 5 आंसर लिखोगे टाइम फ्रेम में कि हाँ मैं दूंगा। जो 10 मार्क क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 7 6 7 मिनट मिलेंगे, 15 मार्क क्वेश्चन होगा 10 11 मिनट मिलेंगे, 20 मार्क क्वेश्चन होगा आपको ऑलमोस्ट 17 20 मिनट्स में दूंगा उस चीज के लिए। तो एक यू नो टाइम फ्रेम के अंदर आंसर लिखना बहुत जरूरी एग्जाम में, उस चीज की प्रैक्टिस होगी। बता भी देता हूँ आपको, मैं जनरली मैंने अपने लिए ये फिक्स है 10 मार्कर, 15 मार्कर, 20 मार्कर। 10 मार्कर मैं कोशिश करता था कि मेरे 6 से 7 मिनट में हो जाए, मिनट्स मार्क्स।
15 मार्कर में कोशिश करता 10 से 11 मिनट में हो जाए, और 20 मार्कर 19 20 मिनट सॉरी 19 20 15 मिनट्स में हो जाए। ओहो 10 15 20 10 मार्कर 67 मिनट्स, 15 मार्कर 11 टू सॉरी 10 टू 11 मिनट्स, और 20 मार्कर 14 टू 15 मिनट्स में हो जाए, मेरा ये कोशिश रहती थी। और मैं हर क्वेश्चन को जो भी मार्क्स वाइज है उसको इतना ही टाइम देता था ताकि एग्जाम 3 घंटे में पूरा हो जाए। तो अगर आप इस पैटर्न पे चलते हो कि मैं हाँ 20 नंबर को 14-15 मिनट दूंगा, उससे नहीं दूंगा, 15 मार्कर को 10 से 11 मिनट दूंगा और 10 मार्कर को 6-7 मिनट दूंगा, अगर ये दिमाग में फिट हो गया है और इसी पैटर्न पे चल रहे हो तो ये तो गारंटेड है कि आपका पेपर पूरा हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी शिकायत रहती है लोगों की, भाई पेपर ही पूरा नहीं हुआ। तो अगर ये आप फॉलो करोगे शिद्दत के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो आपका पेपर पूरा होगा। पेपर का ऐसा नहीं होगा कि पेपर छूटेगा कभी भी, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना और ये चीज एकदम गांठ बांध लो एकदम कि भाई ये चीज तो मैं करूंगा या करूंगी, कि टाइम बेस्ड मैं हमेशा अपना आंसर लिखूंगा, जब भी लिखूंगा टाइम बेस्ड, मतलब असली एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में, लॉज में, ठीक है? तो आंसर की प्रैक्टिस रहेगी आपकी विद इन टाइम फ्रेम। दूसरा पीवाईक्यू सॉल्व होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है ही, और तीसरा एक डिसिप्लिन भी आ जाएगा उसमें कि आपको 10 से 11 10 से 12 जो भी टाइम रहेगा उसमें आपको लॉस लिखने ही लिखना है, तो एक डिसिप्लिन भी आएगा। तो ये तीन चीज आपको लॉस से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा लॉस में आप आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है ये भी सीखोगे, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रोज हम सॉरी ऑल्टरनेट डे हम लिखेंगे 5 आंसर्स, उसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो है आपका डिसिप्लिन, मतलब 5 टाइम बाउंड आंसर राइटिंग कैसे करोगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, बहुत जरूरी है एक अच्छा फ्लो, अच्छा स्ट्रक्चर होना आंसर का, ताकि भाई एक नज़र में ही प्रोफेसर जो भी चेक कर रहा है उसको दिख जाए कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छे से आपको चीज़ें पता है, और फटाफट वो आपको चेक करते अगर टिक 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 नंबर दे दे बढ़िया से एकदम 80% 90% नंबर दे दे। चलिए ठीक है, कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कैसे, इसमें आपको थिंकर्स और उनके वर्क्स, उनकी बुक्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स ये मिलेंगे। ट्राइबल केस स्टडीज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, खागा कमेटी की रिपोर्ट्स आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की रिपोर्ट आती है वो, और भी काफी सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड डायग्राम्स मैप्स। तो आपको जो भी मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है थ्रू आउट दिस 3 ईयर्स वो पूरा आपको एक जगह में मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा, बहुत थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी, और ये जो टाइम बचेगा आपका वो आप GS में, SA में, एथिक्स में, या ऑप्शनल की प्रैक्टिस करने में और याद करने में उसको लगा सकते हो। तो यहाँ से आपका काफी टाइम बच जाएगा, ये चीज जब आपको ये मिल जाएगा, खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के ऊपर। तीसरा है मेंटोरशिप, मेंटोरशिप मैं बैठा हूँ आप लोग के लिए घर पे, कोई भी आपको डाउट हो, जरूरी नहीं है कि देखो एंथ्रोपोलॉजी का तो बैठा हूँ ही मैं यहाँ पे, तो एंथ्रोपोलॉजी का डाउट है मुझसे पूछो, GS का, SA का वो भी आपके डाउट ले सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। और अगर इन जनरल कोई भी भाई लाइफ से रिलेटेड डाउट है, कोई दिक्कत चल रही है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, इस पूरी प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी दिन लगता है बुरा फील करता है, तो वो भी अगर कुछ चल रहा है दिमाग में तो उससे भी आप डिस्कस कर सकते हो, काफी रिलीफ मिलता है अगर आप क्योंकि मैंने भी ये चीज बहुत फेस करी है तैयारी के दौरान, थोड़ी कभी कभी दिक्कतें आती हैं, तो कोई बात करने के लिए वो तो अच्छा लगता है, तो अगर कुछ भी चीज़ है तो आप ये भी डिस्कस कर सकते हो मुझसे, अच्छा लगेगा मुझे अगर ऐसा कुछ होगा डिस्कस करोगे तो। चौथा टेस्ट सीरीज है ही इसमें, टेस्ट सीरीज का देखो फायदा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक्चुअल पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको समझ में आता है। इस वाले कोर्स पर्टिकुलर कोर्स में, इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में 8 सेक्शनल टेस्ट हैं और 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं। सेक्शनल टेस्ट भी ऐसे नहीं है कि वो छोटे टेस्ट होंगे, वो फुल लेंथ टेस्ट ही हैं, पर सिलेबस के कुछ कुछ पार्ट के वो टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप 10 टेस्ट लिखोगे ना यहाँ बैठ के, तो जब 11 टेस्ट लिखोगे आप असली एग्जाम में, तो आपको लगेगा कि भाई ये काम मैं पहले ही बहुत बार कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, आपको पता रहेगा कि मेरा स्टाइल क्या है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आप कि पहले मैं कंपल्सरी वाले करूंगा करूंगी, पहले मैं ऑप्शन वाला क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करूंगा, तो जब आप 10 पेपर लिख लोगे तो आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप ज्यादा बेटर या ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट या ज्यादा अच्छा कब लिख पा रहे हो, ठीक है? तो इस चीज की प्रैक्टिस करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अटेम्प्ट एक्चुअल पेपर, ये आपको टेस्ट सीरीज में आता है। दूसरा टेस्ट सीरीज से आपको कंटेंट भी मिलता है, ऑफकोर्स टेस्ट में कंटेंट मिलेगा, और तीसरा वार्म अप है असली एग्जाम के लिए। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ कि जैसे कोई भी स्पोर्ट्स होता है, क्रिकेट है, क्रिकेट में वार्म अप करना बहुत जरूरी है, या आप जिम करते हो, जिम करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इंजरी हो जाती है। सेम विद क्रिकेट, अगर अच्छे वार्म अप नहीं करोगे तो अच्छा प्रैक्टिस असली में ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो वार्म अप आपका हो जाता है टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो ये 4 चीज़ें इस कोर्स में आपको मिल जाएंगी, जो कि मुझे लगता है जो होलिस्टिक तैयारी है इस चीज से हो जाना चाहिए, यही ध्यान रखते हुए मैंने डिजाइन किया था ये चीज,
मैंने भी यही चीज करी है, आंसर राइटिंग खूब सारे प्रैक्टिस करी है, टेस्ट काफी सारे दिए हैं, कंटेंट बहुत काम किया, और काफी सारे मेंटर से मैं रेगुलरली बात करते रहता था, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यही चीज मैंने करी है, और मुझे लगता है कि यही चीज तरीका है, ये एक अच्छा तरीका है 300 नंबर स्कोर करने का, तो मैंने इसी को मद्देनजर देखते हुए पूरा डिजाइन किया था कोर्स। ठीक है, अब देखो सवाल है कि जो ये कोर्स मैं चला रहा हूँ इसका आप बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, या मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ ठीक है इस कोर्स में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि देखो मैं भी अपना टाइम वाइम काफी दे रहा हूँ इस चीज में, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो आपके पास 90 दिन है उसमें यू नो कमिटमेंट डिसिप्लिन और हार्डवर्क आप करोगे ही करोगे। क्योंकि देखो मेंस मैंने 3 मेंस दिए हैं, 2021 का, 2022 का, 2023 का, और तीनों मेंस में मैंने इंटरव्यू दिया है, तो मुझे देखो ये चीज पता है कि अगर प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक टाइम थ्रू आउट प्रिपरेशन, पूरी प्रिपरेशन का मोस्ट हेक्टिक टाइम कोई है तो ये प्री और मेंस के बीच का ही टाइम है, और इस टाइम में ना यू हैव टू बी कमिटेड टू योर यू नो जो आपने गोल डिसाइड किया लाइफ का, अपने जो आपने ड्रीम देखा है उसको कमिट करने की सबसे ज्यादा जरूरत आपको अब है, डिसिप्लिन होने की सबसे ज्यादा जरूरत अब है, मेहनत करने की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। ठीक है, तो अब तो मैं ये बोलता हूँ घंटे गिनना भी छोड़ दो कि भाई इतने घंटे पढ़ लिया उतने घंटे पढ़ लिया, ये पुरानी बातें हो गई। अब जितना भी टाइम आपको स्पेंड करना है, एक आध घंटे छोड़ के जब आप अपनी हॉबी में दे रहे हो या किसी से बात करने में दे रहे हो, वो टाइम हटा के यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू पढ़ाई। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का मेंस निकले, तो इसकी वजह से अगर मेंस निकालना है तो यू हैव टू बी कमिटेड, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, और आपको खूब मेहनत लगेगी भाई 3 महीने, तो ये चीज आपको करनी करनी है। ठीक है, तो वही चीज यार, देखो मेरे जो मेरे दादाजी थे तो वो बताते थे कि भाई 5 क्वालिटीज स्टूडेंट्स की, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो बोलते थे कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा बचो स्वल्पाहारी गृह त्यागी, ये 5 लक्षण होते हैं स्टूडेंट के, और ये स्टूडेंट के लक्षण नहीं है, ये बस प्री और मेंस के बीच में जब हम आते हैं ना उस टाइम के लिए बहुत सटीक बैठता है। तो काग चेष्टा का मतलब होता है कौवे की तरह नजर, क्या आपकी भाई एकदम नजर होनी चाहिए कि कौन सा कंटेंट मेरे को पढ़ना है कौन सा कंटेंट मुझे नहीं पढ़ना है, तो एकदम यू नो फोकस, एकदम तगड़ी नजर होनी चाहिए। बको ध्यान मतलब बगुले, बगुला जो होता है ना स्टॉक, उसकी तरह ध्यान होना चाहिए, वो तो कैसे मछली पकड़ लेता है फटाफट, इतना बढ़िया फोकस होता है उसका, उसकी तरह ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, कुत्ते की तरह नींद मतलब बहुत, आपको अभी सोना की बहुत जरूरत है नहीं, और मतलब छोटी नींद, एकदम फोकस नींद की, हाँ भाई दिमाग में भी चल रहा है कि भाई मैं मेंस में आंसर कैसे लिखूंगा कैसे लिखूंगी, और यू नो फट से उठ जा रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, या जो भी आपका टाइम रहता है रूटीन रहता है, 5-6 घंटे 6.5 घंटे सो, उसके अलावा पढ़ो, उसके बाद बाकी ठीक है। गृह त्यागी मतलब इन जनरल अटैचमेंट से दूर रहो इस टाइम, थोड़ा सा यू हैव टू बी यू नो हल्का फुल्का आइसोलेशन आपको जरूरी है इस समय, बहुत ज्यादा किसी अटैच नहीं होना, मतलब कि 4-5 घंटे टपरी पे चाय वाय पीने में ज्यादा वेस्ट नहीं करने हैं, तो वो चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्री और मेंस के बीच में करनी होती है, कि बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ता है, थोड़ा नींद पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है कौन सा कंटेंट पढ़ना है कौन सा कंटेंट नहीं पढ़ना है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, तो यू नो आंसर राइटिंग में, कंटेंट इकट्ठा करने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो यही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप नेक्स्ट 3 मंथ यही करोगे, और ये सिर्फ एंथ्रो के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये आप जीएस के लिए, एसए के लिए, एथिक्स के लिए, हर चीज के लिए बहुत मेहनत लगेगी 3 महीने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहो, और अगर ये 3 महीने मेहनत कर लोगे ना तो आगे की जिंदगी बहुत अच्छी आगे की, तो 3 महीने बाकी के 40-50 साल कंपेयर कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद जैसे लॉज है, लॉज में आने से पहले मैं आपको कंटेंट पहले ही दे दूंगा, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी कंटेंट मैं दूं, अगर आपके पास कंटेंट पहले से बना हुआ है, अच्छा कंटेंट है, तो जरूरत नहीं है, पर अगर आपके पास कंटेंट थोड़ा आपको लगता है कि और जरूरत है वैल्यूएशन की, तो जो मैं कंटेंट दूंगा उसको आप वैल्यूएट करो अपने नोट्स में, उसको रिवाइज करो सॉरी, उसके बाद लॉज देने आओ। एंड सेकेंड थिंग, लॉज जब दे रहे हो तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहना है, टाइम फ्रेम के अंदर करना है वो चीज, धीरे 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 खुद वो खुद ब खुद आप इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो यू हैव टू वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ अगर प्रिपेयर कर रहे हो ये चीज। टेस्ट सीरीज रेगुलरली दो, जब टेस्ट हो रहे हैं, जब जब आपका मतलब वो सिलेबस का पार्ट खत्म हो गया है तब टेस्ट आप दो, है ना, कंटेंट में अपने रेगुलरली इंप्रूव करते रहो उस चीज को, डाउट्स पूछो, सवाल पूछो,
यही तरीका है यार। देखो ऐसा कोई बहुत ऐसा लगता है कि हाँ भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या मतलब मेरे को भी लगता था कि भाई कैसे निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं निकल रहा था 2 बार से, मतलब इंटरव्यू तक पहुंच रहा था पर नहीं निकल रहा था, मेरे से नंबर कम रह जा रहे थे, तो बहुत समझ ही नहीं आता था कि आखिर कर क्या रहे हैं। तो अब जब निकल गया तो लग रहा है कि भाई वो ही कर रहे थे, पर ज्यादा डेडिकेशन के साथ, ज्यादा कमिटमेंट के साथ वो ही सेम काम कर रहे थे। ठीक है, कंटेंट पे बहुत ज्यादा काम कर रहे थे जो लोग निकल रहा है, डाउट्स कोई भी नहीं छोड़ रहे थे अपने दिमाग में, यू नो खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यही चीज चलती है, यही चीज चली आ रही है, जितना ज्यादा इंटेंसिटी देंगे, जितना ज्यादा एफर्ट देंगे, उतने चांसेस बढ़ते हैं निकलने के। उससे ज्यादा आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे मुझे, मुझसे मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे? तो मेरे से आप ये कर सकते हो कि मैं भी जो आप कर रहे हो वो मैं भी करूंगा, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये चीज मैं अभी आपको कमिट कर रहा हूँ कि मैं आपको यू नो टाइम टू टाइम कंटेंट देते रहूंगा, लॉज हम रेगुलरली करेंगे, मेंटरशिप के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, तो ये भी मैं आपको मैं कह सकता हूँ। तो ये चीज आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फाइनली जो ये कोर्स है, तो मैं लवासना आने से पहले कंप्लीट कर ही दूंगा ये कोर्स, तो ये चीज बोलना था। और जो इस कोर्स की एक्सेस है आपको 2025 मई तक मिलेगी, तो यू नो जो लोग अगले साल के प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि जो कंटेंट है मोर लेस वही रहता है इस चीज में। दो तीन चीज का अंतर आता है, जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी वो आपको पढ़नी पड़ेगी, या कोई और नई रिपोर्ट आएगी वो पढ़नी पड़ेगी, बाकी कंटेंट, बाकी जो चीजें सेम रहती हैं, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का रोल है नहीं। तो जो लोग 2025 मेंस तक प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं वो लोग भी इस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर तक एक्सेस मिली जाएगी इस चीज की। ठीक है, तो आई गेस यही मुझे कहना था आज के लिए।